Small and short, this is Professor Kesar from SSAG Degree College. Welcome in second year accounting. आज हम second year accounting जो chapter number हम लोगों ने partnership formation start किया था, आज इसका lecture number 4 हम study करेंगे. So इससे पहले आप लोगों ने तीन chapters, तो तीन आप लोगों ने जो lectures हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे. मैंने कंप्लीट आपको जो पार्टनरशिप फॉर्मेशन है उसकी थ्योरी आपके साथ मैंने डिस्कस करी है. ठीक है, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप की टाइप्स क्या होती हैं, पार्टनरशिप्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डिटेल में मैंने आपको तीन लेक्चर्स में ये पढ़ाया है, आपके सामने डिस्कस किया था. होप सो कि आप लोगों को पार्टनरशिप का समझ आया होगा कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप करनी चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, ये आप लोगों ने जरूर समझने की कोशिश की हो. सो आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 4 जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे. ठीक है, और इस लेक्चर नंबर 4 में आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखेंगे कि जब कोई भी फर्म फॉर्म्ड होती है, फॉर्मेशन का जो वर्ड है वो फॉर्म से निकला है, बनाने से निकला है, बनने से निकला है. ठीक है, कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन कब बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, किस तरह बनाई जाती है. ठीक है, ये हम आज इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. ठीक है, सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे ताकि आपको उस क्वेश्चन में ये बात समझ में आए कि भाई जब पार्टनरशिप फॉर्मेशन होती है तो दर हकीकत उसमें क्या करते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, और पार्टनरशिप फॉर्मेशन में जब आते हैं तो वो अब जो पार्टनर है वो किस रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आते हैं, यानी क्या एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर से डिमांड होती है कि उसका कितना हिस्सा होना चाहिए या दूसरे का कितना हिस्सा होना चाहिए, तीसरे का कितना हिस्सा होना चाहिए. ठीक है, सो आज हम लोग जो है इनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखेंगे. ठीक है, सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर. अच्छा, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाने से पहले जो है हम इस चीज को हम एक चीज को और हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि दोबारा मैं आपके सामने जो पार्टनरशिप फॉर्मेशन की डेफिनेशन है वो आपके सामने दोबारा डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और मेरी बात को क्लियर हो जाए. ओके, सो पार्टनरशिप फॉर्मेशन, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ टू और मोर पीपल, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों की एक एसोसिएशन है. आप लोगों ने नाम सुना होगा, यानी ग्रुप है हमारे पास, एक एसोसिएशन, एक बॉन्डिंग हुई हुई है. फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस, पार्टनरशिप आर गवर्न्ड पार्टनरशिप एक्ट 1932, अनलाइक एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अ पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ऑन एंड देयरफॉर पार्टनर्स आर लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म. यानी कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म जो है हमारे पास जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि अगर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी आएगी, कोई जिम्मेदारी आएगी तो उसको पूरा नहीं करना. अगर कब उसको जिम्मेदारी है, कोई उसको प्रॉब्लम है, यानी कोई उसको नुकसान हुआ हुआ है, तो डेफिनेटली आपको जो है वहाँ पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, पार्टनरशिप गवर्न कौन करता है, पार्टनरशिप गवर्न करने वाले होते हैं वो कहलाते हैं पार्टनरशिप. पार्टनरशिप आर गवर्न यानी जो चलाते हैं वो पार्टनर्स होते हैं. ठीक है, अ पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ लीगल पर्सनैलिटी, लीगल पर्सनैलिटी इसको नहीं कंसिडर किया जाता फिर समॉन. ठीक है, एंड देयरफॉर पार्टनर्स आर द लायबल फॉर द डेट्स ऑफ फर्म, यानी फर्म के कोई भी डेट्स होंगे, कोई भी नुकसान होगा, वो पार्टनरशिप जो है वो भरने के पबंद है हमारे पास से. ठीक हो गई बात. सो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है जहाँ दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं और बिजनेस को चलाने को कैरी करने के लिए कैरी करते हैं. ठीक है,
होप्स हो कि आप लोगों को थोड़ी डेफिनेशन समझ आई होगी, ठीक है। पहले भी हम लोग इस सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। सो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके जी, तो हमारे पास जो है जो नेक्स्ट स्लाइड है, हम सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? अच्छा, क्वेश्चन को जरा गौर से आपने समझना है, ठीक है। आलिया एंड शहाला एंड हुमा, ठीक है, फॉर्मड अ पार्टनरशिप ऑन December 21, 2006। ये तीन फीमेल हैं जो इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, December 1, 2006 से। दे कंट्रीब्यूटेड एज अंडर, अच्छा, अब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि भाई कौन कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑब्वियसली यही होता है कि भाई जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसको ज़्यादा ही मुनाफा दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर लॉस होगा तो उसको लॉस ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो कम कंट्रीब्यूट करता है उसे कम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो है हमें ये देखना होता है कि जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या रखते हैं, ठीक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि भाई इक्वल हम रख लेते हैं कि हम सारे तीनों इक्वल हैं, कोई बात नहीं, कोई कम ला रहा है कोई ज़्यादा ला रहा है, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जो ज़्यादा जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा वो उतनी ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं आपके पास प्रॉफिट के लिए उसके पास राइट्स होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो है, अच्छा, अब इन्होंने क्या होता है, तीनों पार्टनर्स थी, ठीक है, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, और हर एक ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा। अच्छा, अब क्या कंट्रीब्यूट करा? आलिया कंट्रीब्यूटेड 2 लाख रुपीज। अच्छा, ये याद रखिएगा, कॉमा है यहाँ पर। आलिया कंट्रीब्यूट 2 लाख रुपीज, 80,000 इन द शेप ऑफ एंड 80,000 इन द शेप ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, अब इक्विपमेंट की शेप के अंदर इसने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए की मशीनरी है, ₹1 लाख फॉर मशीनरी एंड 20,000 फॉर फर्नीचर। यानी ये जब बिजनेस इसने स्टार्ट हुआ तो इसने क्या करा, 80,000 का कोई इक्विपमेंट लेके आ गई, 1 लाख रुपए की इसने मशीनरी लेके आ गई और 20,000 रुपए का क्या लेके आ गई, फर्नीचर। यानी इसने जो टोटल है, टोटल जो कंट्रीब्यूशन करी, वो टोटल इसने कंट्रीब्यूशन कितने की करी है भाई, वो टोटल कंट्रीब्यूशन इसने 2 लाख रुपए की करी, ठीक है। किस शेप में करी है वो आगे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई किस किस शेप में, 80,000 का इक्विपमेंट ले आई, 1 लाख की मशीनरी ले आई, 20,000 रुपए का क्या लेके आ गई, फर्नीचर लेके आ गई, ये आलिया ने करी। नेक्स्ट क्या था, फिर है मेरे पास नेक्स्ट शहाला। शहाला ने कंट्रीब्यूट करा 1,80,000, 80,000 इन द शेप ऑफ हमारे पास मर्चेंडाइज, ठीक है, 80,000 रुपये की मर्चेंडाइज लेके आ गई हमारे पास से, और 60,000 रुपये की इसने क्या लेके आ गई, सप्लाइज लेके आ गई, ऑफिस सप्लाइज इसे कहते हैं, और 40,000 रुपये का ये क्या लेके आ गई, फर्नीचर लेके आ गई, ठीक है। इसने कहा कि भाई मैं ये चीज़ें लेके आ रही हूँ, और टोटल जो है वो कितने पैसे लेके, टोटल जो यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल कितने की है, वो 80,000 रुपये की मैं पैसे लेके आऊंगी, मैं इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उमा ने क्या करा, उमा ने इन्वेस्ट करा कैश कितना, 2,20,000 रुपये का, ठीक है। अब ये नोट रखते हैं, एक ने 2 लाख, दूसरे ने क्या करा 1,80,000, और तीसरी ने क्या करा, 2,20,000 सिर्फ इसने इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है। इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट ऑल पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट इक्वली। अब यहाँ पर फिर इन्होंने एक नया लो क्या कि इन्होंने कहा कि भाई हर पार्टनर ने क्या करना है, वो इक्वली कंट्रीब्यूट करना है। बीइंग इक्वल पार्टनर आलिया एंड शहाला इन्वेस्ट फर्द। अब देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि जो जिसके ज़्यादा, इसके देख रहे हैं, इसके सबके ज़्यादा पैसे थे कि भाई जिसके सबसे ज़्यादा पैसे वो कम करे, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके कम है वो ज़्यादा करेगा। यानी आपने देखा होगा कि आलिया और शहाला के पैसे कम हैं तो ये फर्दर सफिशिएंट कैश लेके आएंगे,
मजीद लेके आएंगे कैश ये, ठीक है, टू गिव देम इंटरेस्ट इक्वल टू दैट द ऑफ द उमा, ठीक है, किसके बराबर लेके आना है, इन्होंने ये लेके आना है उमा के बराबर लेके आना है, ठीक है। ऑब्वियसली अब हमें नजर आ रहा है कि भाई अगर हम आलिया की बात करें तो आलिया के पास कितने पैसे ये मजीद लेके आएगी, ये पैसे और लेके आएगी 20,000, क्यों, क्योंकि 2,00,000 इसके पास पहले से ही है, इसके बराबर आना है तो इसके 2,20,000। और ये हमारे पास जो शहाला है, शहाला के तो डेफिनेटली बहुत पैसे कम है, तो इसका मतलब ये पैसे कितने लेके आएगी, ये पैसे हमारे पास कितने लेके आ जाएगी, 40,000 रुपये पैसे लेके आ जाएगी, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। रिक्वायरमेंट में क्या है कि हमें इसकी एंट्रीज बनानी है। अच्छा, एंट्रीज में क्या होता है, एंट्रीज में देखिए मैं बताता हूँ, आलिया है तो आलिया ने जो इन्वेस्टमेंट करी 80,000, ठीक है, तो ये बी नोटेड जो हमारे पास यहाँ पे आपको सबको पता है कि जनरल में हम इसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एक तरफ डेबिट हो जाएगा एक तरफ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या करा था, इक्विपमेंट, तो भाई इक्विपमेंट लिख देंगे कितना, 80,000, ठीक है। फिर क्या है, मशीनरी, तो मशीनरी लिख देंगे कितनी है भाई, 1,00,000। फिर इसी तरीके से आगे हम इस तरह करके क्या करेंगे, सारी इंट्रीज को फर्दर फर्दर करके रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि तीनों पार्टनर्स की कंबाइन होगी, तीनों पार्टनर्स ने किस किस ने कितना कितनी क्या क्या चीज़ें इन्वेस्ट करी हैं वो सारी मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसकी सोल्यूशन पे, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। आलिया ने 2,00,000 लगाए थे, ठीक है, और इसने 80,000 रुपये इक्विपमेंट का, 1,00,000 मशीनरी का और 20,000 फर्नीचर का। फिर शहाला ने 80,000 का मर्चेंडाइज, 60,000 की ऑफिस सप्लाईज और 40,000 का फर्नीचर। उमा ने सिर्फ कैश लेके आई थी 2,20,000 रुपये, ठीक है। हम इस पे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी, तो हमारे पास अब आ गई है नेक्स्ट स्लाइड और हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। पार्टनरशिप हमारे पास है जनरल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2006 का, ठीक है। अच्छा, ये अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करनी है, आपको याद है, अच्छा ये हम किसकी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले कौन थी मेरे पास, आलिया, ठीक है, ये नजर आ गया होगा, ये सबसे पहले क्या थी मेरे पास, आलिया, ठीक है। आपको याद होगा ये जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है, 80,000 रुपए का क्या था इसके पास, इक्विपमेंट, ठीक है, लेके आई थी डेबिट करा। फिर ये भी आपको याद होगा कि मशीनरी लेके आई थी कितने की, 1,00,000 रुपए की, ठीक है, एक ये वाली चीज लेके आई थी, ठीक है, और एक ये मेरे पास ये। फिर आपको ये भी याद होगा कि इसने फर्नीचर लिया था, फर्नीचर कितने का लेके आई थी भाई, इसने लेके आई थी 20,000 रुपए का, ठीक है। तो इसका जो टोटल था, ठीक है, यहाँ तक जो इसका टोटल था, वो टोटल कितना था इसका, कि ये भाई 2,00,000 लेके आई थी, ठीक है, आपको याद होगा। अब ये जो चीज है बीच में ये वाली, ठीक है, कैश, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अब इसके पास पैसे कितने कम है, तो पैसे इसके पास कितने कम, मैंने बताए थे कि भाई इसके पास पैसे कम है, क्योंकि वहां पे एग्रीमेंट क्या हुआ था कि तीनों पार्टनर ने एक जितने पैसे लेके आते हैं, ठीक है, यानी अब हर एक ने किसके बराबर लेके आने थे, उमा के कितने पैसे थे, 2,20,000, इसके कितने थे, 20, तो ये कैश, ठीक है, फर्दर सफिशियंट कैश वहां पे लिखा था ना, तो यहाँ पर ये इसने 20,000 और कैश लेकर आ गई, ठीक है, तो डेफिनेटली इसके अपने पास यहाँ पर ये रिकॉर्ड करेगी कि मैं 20,000 और लेके आ गई। तो टोटल जो है आलिया का जो कैपिटल बना, ठीक है, टोटल जो हमारे पास आलिया का कैपिटल बना वो कितना बन गया, वो टोटल बना 2,20,000 रुपये का, ठीक है। फोक्सो के ये बात जो है आपको अब तक समझ आ गई, ठीक, तो कोई बात, अच्छा,
तो हम देखते हैं। अच्छा, अब इसको क्या करा है, इसको हम लोगों ने सबको रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल जर्नल एंट्री बनाते हैं, जितना जितनी चीज़ें आए इन वेरी शॉर्ट समरी, दीज आर कॉल्ड द एसेट्स, ठीक है। एसेट्स जितने भी लेके आए वो सारे कर दिए। डेबिट टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गई, टोटल जो कैपिटल हो गया वो कितना हो गया इनका, 2,20,000 का टोटल कैपिटल हो गया, ठीक हो गई बात। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि भाई जो क्या नाम है, एक और थी शहाला, ठीक है। वो भी ऐसी बातें चीजें लेके आएगी, ठीक है। अच्छा, वो कित कैसे चीजें लेके आएगी ये जरा देख लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर जो मर्चेंडाइज थी, ठीक है, वो मर्चेंडाइज कितने की लेके आएगी, वो मर्चेंडाइज लेके आएगी 80,000 रुपए की, ठीक है। अच्छा, फिर ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस सप्लाइज कितनी है, ऑफिस सप्लाइज 60,000 की है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास फर्नीचर जो था, फर्नीचर भी वो लेके आई थी, वो कितनी लेके आई थी, 40,000, ठीक है। बात जैसे यहाँ पर ये चीज जो इन्होंने लेके आई थी, अब यहाँ पर ये जो चीज है ये इन्होंने लेके आ गई, मर्चेंडाइज 80,000 की। अच्छा, इसके जो टोटल था, टोटल इसका कितना था, इसका टोटल था 1,80,000 का, ठीक है। इसका जो टोटल था वो बन रहा था 1,80,000, ठीक है। अब जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, 1,80,000 कैसे, हम अभी इसको आपको बता रहे हैं। देखें, 1,60,000 रुपये का, तो 60,000 ऑफिस सप्लाइज, 40,000 ये एक लाख हो गया, 80,000 की मर्चेंडाइज, तो टोटल कितना हो गया, 1,80,000। लेकिन कमिटमेंट क्या हुआ था, कमिटमेंट क्या हुआ था, कमिटमेंट ये हुआ था कि भाई 2,20,000 यानी जितना हुमा लेके आ रही थी, ठीक है, जितना हुमा लेके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था खुद ही ताकि आपको समझ आ जाए, तो यहाँ पे कितना कैश कम था, 20,000, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैश ऐड करा 20,000। अब यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, इसका शहाला का जो कैपिटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2,20,000 जैसे लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो कैश कम है वो कैश कितना कम है, वो हमारे पास कैश कम है 40,000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ऊपर यानी कैश नहीं लिखा हुआ तो कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो जैसे ये फर्नीचर है तो ये फर्नीचर के नीचे यानी ये यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपने लिखना है कि जी कैश, ठीक है, कितना कम था, कैश कम था 20,000 का, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आप 20,000 यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी एंट्री जो है वो क्या हो जाए, वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। 20,000 यहाँ पर क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, ताकि आपका जो ये वाला इसका जो कैपिटल है, कैपिटल क्या हो जाए, वो कैपिटल इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक दो लोगों की जो ट्रांजेक्शन्स थी वो हम लोगों ने क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड करें, क्लियर हो गई बात। अच्छा, थर्ड क्या था, थर्ड हमारे पास ये तो यहाँ पर सेकंड था, थर्ड क्या था, थर्ड हमारे पास सिंपल जो उमा थी, उमा ने कहा कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं ला रही, मैं सिर्फ कैश लेके आऊंगी। उमा ने क्या करा, कैश लेके आ गई, कितना, 2,20,000, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास क्या थी, इनकी रिकॉर्डिंग करनी थी हमें, जो जिस शख्स ने जितना जितना रिकॉर्ड करा है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनती है कंबाइन, कंबाइन कैसे, ये देखिए नोट कर लें, कैश इसका कितना, 20,000, यहाँ पर कैश, ये कितना कैश लाया था, सॉरी लाई थी, ये कितना लाई थी, सॉरी 20,000 नहीं होगा, ये होगा 40,000 होना चाहिए, ये 40,000 हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि 80,000, 1,80,000 था, तो डेफिनेटली हमारे पास 40,000 यहाँ पे काम है, तो टोटल कितना होना चाहिए, 2,20,000। तो कैश ये, 20,000 ये और 40,000 ये, यानी जब हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो कैश लिखा आएगा वो
वो कितना आएगा 60,000। मैंने अभी क्या कहा था, कंबाइन करना है, ठीक है। जैसे फर्नीचर, तो फर्नीचर ये भी यहाँ पर कितना है 20,000 का, और यहाँ पर भी फर्नीचर देख रहे हैं 40। तो यहाँ पर फर्नीचर भी जब हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 60,000 लिखेंगे। यानी जो एक जैसी चीजें, इक्विपमेंट यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ इक्विपमेंट लिख देंगे। मशीनरी यहाँ पर है लिखेंगे, तो वो चीज़ें जो एक जैसी हैं तो हम उन्हें एक जैसे ही कंबाइन करके ही लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गई बात। होप सो के आप लोगों को जो एंट्रीज थी वो समझ आ गई, ठीक है, कि एंट्रीज को रिकॉर्ड कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी बैलेंस शीट, के बैलेंस शीट में हम लोग इन्हें कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ओके जी, तो अब आ गए हम लोग बैलेंस शीट पे, ठीक है। तो बैलेंस शीट पे क्या करना था, बैलेंस शीट पे हम लोगों ने ये करना था कि भाई सारी चीजों को हमने, अगर जो एक जैसी चीजें हैं वो हम लोगों ने एक जैसी चीजों को क्या करना था, रिकॉर्ड करना था, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब हम लोग इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले सबको पता है, एक तरफ आपको पता है एसेट कॉलम होता है, दूसरी तरफ क्या होता है मेरे पास, इक्विटी कॉलम होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो नोटिस करा होगा कि इसमें हमारे पास लाइबिलिटी का कोई नहीं था, अदरवाइज हम लोगों ने यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, लाइबिलिटी लिखते हैं, तो लाइबिलिटी नहीं थी। अच्छा, कैपिटल आपको पता है ऑनर्स इक्विटी में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल, तो वो कैपिटल कितना हर एक का पता है, 220 था, 220 था, 220, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितना हो जाता था, वो हो जाता था 660,000 मेरे पास हो जाता, ठीक हो गई बात। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास कैश हो गया, मर्चेंडाइज हो गई, ऑफिस सप्लाईज हो गई, सबको प्लस कर लिया, ठीक है। और फिर फिक्स एसेट आ गई, यानी आपने अलग अलग कर लिया। फिक्स एसेट में इक्विपमेंट आ गया 80,000 का, फर्नीचर था, फिर मशीनरी थी, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे पास 240,000। ये टोटल फिक्स एसेट और हमारे पास ये जो यहाँ पर करंट एसेट आए हुए थे, ठीक है, हमारे पास जो करंट एसेट्स थे वो थे यहाँ पर, ठीक है, 420,000 के हमारे पास हो गए थे, ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं इसको बता दूँ, जिस अगर किसी को ये कंफ्यूज हो रहा हो 280,000 का, तो देखें आप इसमें वो याद होगा उमा का जो था वो 220,000 कैश था, ठीक है, आपको अगर याद हो तो 220,000 का कैश किसका था, 220,000 का कैश सिर्फ उमा का था। फिर एक दूसरी जो थी, ठीक है, सबसे पहले वाली उसका 20,000 का था, ठीक है, और फिर जो तीसरी सेकंड वाली थी उसका कितना था 40,000, ठीक है। मैंने अभी भी क्या बताया था, कंबाइन करके करते हैं ना, तो टोटल कितना कैश हो जाता, टोटल मेरे पास कैश हो गया हमारे पास कितना 280,000। इसी तरीके से मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, ऑफिस, यानी जो एक जैसी चीजें हैं उनको क्या करा है, उनको कंबाइन करके करा है, ठीक है, बैलेंस शीट में कंबाइन करके हम लोगों ने करना होगा, ठीक है। सो हमारी इस तरफ दोनों तरफ आपके पास 660,000 और इधर भी कितना आ गया मेरे पास 660,000 मेरे पास पूरा बैलेंस शीट। सबको पता है ऑब्वियसली जो बैलेंस शीट का आंसर है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस शीट का आंसर क्या है, वो सेम आ चुका है, ठीक है। सो अच्छा, एक और चीज, अब इसमें क्या है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का कॉलम बनाकर आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, करंट और फिक्स्ड एसेट को मिक्स करके लिख देते हैं, ठीक है, गलत तो नहीं कंसिडर किया जा सकता, लेकिन क्या है कि आप अलग अलग करके लिखें, ताकि जब आप अलग अलग करके लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है उसको भी अच्छे से समझ आएगा कि भाई अच्छी बात है, मतलब पता है करंट एसेट और फिक्स एसेट का क्या काम होता है और मतलब किस तरह उसको कहाँ पर लिखा जाता है मेरे पास से, ठीक है। सो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो मैंने आपको अपनी एफर्ट से कोशिश की है कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ आया तो बार बार इन क्वेश्चंस को देखें,
ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट पे आपको मेरा लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।